केंद्र सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग को समर्थन देने के लिए 5.5 लाख टन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील के आयात को अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि पोल्ट्री उद्योग लगातार सोया मील की कमी से जूझ रहा है और पिछले साल भी उद्योग से जुड़े लोगों ने इसे आयात करने की मांग उठाई थी। सरकार ने तब अगस्त में आयात नियमों को ढीला किया था और 12 लाख टन की पहली खेप भारत पहुंची थी। इस बार 30 सितंबर से पहले इस खेप को भारत में आयात करने का आदेश है। दरअसल सरकार ने 2021 के अगस्त में 12 लाख टन जीएम सोया मील के आयात को अनुमति दी थी, लेकिन व्यापारी केवल 6.5 लाख टन सोया मील के आयात का सौदा कर पाए थे। इसलिए इस बार सरकार ने बची हुई 5.5 लाख टन के आयात को अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले का सोपा ने विरोध किया है। सोपा का कहना है कि जब सरकार में किसी और जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद की खेती नहीं करने देती तो इसे बाहर से इसकी आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसका असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा। सोपा के एक अधिकारी ने कहा कि भारत के पास सोया मील का पर्याप्त भंडार है और इसका अक्टूबर में शुरू होने वाली सोयाबीन की फसल की पैराई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सोपा की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि इस आयात को अनुमति देने का कोई तर्क नहीं बनता है। सोया मील सोयाबीन के बीजों से तैयार होता है। इसका इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग में आहार के रूप में किया जाता है। संक्षेप में कहें तो ये मुर्गियों का खाना होता है। इसे सोयाबीन की खली या डी ऑयल सोया केक भी कहा जाता है। अगर इसके दाम घटते हैं तो भारत में चिकन की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। भारत में महाराष्ट्र सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हैं। इसके आयात के फैसले पर पिछले साल भी वहां विरोध देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।